हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सलमान। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय और बहुत ही गंभीर बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, नए यूट्यूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आजकल अपन क्या है, नया यूट्यूब चैनल बनाया, अपने को कुछ पता रही नहीं, वहाँ से उठाया वहाँ पटक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ पटक दिया, उठाया पटका उठाया पटका, ऐसे नहीं चलता। आप शॉर्ट्स पे किसी का दूसरे का वीडियो लगा रहे हो और चला रहे हो, तो अपना खुद का कंटेंट बनाओ। मेरा कहने का मतलब वो दोस्तों, यूट्यूब आसान भी और कठिन भी है, दो चीज़ें इसमें। अगर आप जब तक यूट्यूब को नहीं समझ पाओगे सही तरीके से, आपके पास मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं मेन इंपॉर्टेंट अगर बात आपको बता देता हूँ, दो तीन बातें, अगर आप इन पर अमल करते हो तो आप 100% आपको सक्सेस यूट्यूबर बनने में कोई नहीं रोक सकता। 100% सक्सेस यूट्यूबर बनोगे दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों, एक तो अपनी जो आवाज़ का ओरिजिनल कंटेंट और अपने फेस का ओरिजिनल कंटेंट वीडियो बनाओ। मान लो अपन फेस का नहीं बना रहे, तो अपनी आवाज़ का ओरिजिनल कंटेंट वीडियो बनाओ, अपना खुद का बना। और कॉपीराइट और कॉपी राइट क्लेम का भी ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है काफ़ी सेंसिटिव पॉलिसी है। पहले जो यूट्यूब था दोस्तों, तो इसमें क्या था, जब 10 8 10 15 साल पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था, चल रहा था, वायरल भी हो रहे थे और लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाते थे। आज के 10 15 साल पहले तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं थी। तो आज के धीरे धीरे यूट्यूब क्या आ रहा है दोस्तों, स्टिक होता जा रहा है, हर चीज़ का रूल्स नियम बनाता जा रहा है। तो उसी तरीके से मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे नंबर वन बात आती है दोस्तों, आप दूसरों का वीडियो ना डालें। आप अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो आपका खुद का निजी खुद का डालना वीडियो पसंद करें और खुद का वीडियो डालने की आदत डालें दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या, इधर का उठाया उधर का पटक दिया, आगे आके देखेंगे आगे, तो आगे जाके आप दोस्तों बहुत पछताओगे और रोओगे आपके, मैंने ये क्या करा। तो मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यूट्यूब में फेस कैम वीडियो बनाओ, आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, ताकि आने वाले समय में आपका चैनल डिलीट भी हो जाए। मान लो कोई कारण से कुछ हो जाए, तो आपकी जो पॉपुलरिटी रहेगी 100%, आप नया चैनल बनाओगे तुरंत आपके वही सब्सक्राइबर तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा चैनल। फेस कैम वीडियो बनाने की कोशिश करो दोस्तों, और बेहतर वीडियो बनाओ ताकि लोगों को समझ में आए, और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करो। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं दूसरों के वीडियो डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को नज़रअंदाज करके आप डालते रहोगे, बहुत सारी मेहनत कर लोगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, एड भी आने लग गया, लेकिन आने वाले समय आपका चैनल हो जाएगा डिस्क्लेट हो जाएगा, तो आपको फिर कितनी परेशानी होगी दोस्तों, आपका दिल बताए। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, अपन मान लो 3 महीने के अंदर आपने सब कुछ करके 4 5 महीने में अपने चैनल को अच्छा मोनेटाइज कर लिया, तो वापस रिटर्न आने से अच्छा है अपने को दोस्तों 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, एक अच्छा चैनल बनाओ, ताकि आने वाले समय में आपके सुरक्षित चैनल रहे और आपका चैनल जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके ग्रो करे। तो कभी भी मेरी एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात, सभी यूट्यूबर कहते हैं उसका वीडियो उठा के डाल दो, उसकी अपनी वॉइस बना के डाल दो, उसका कटिंग करके डाल दो, तो मैं ये बात नहीं कहूँगा। मैं आपको एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आप अपना खुद का कंटेंट का वीडियो डालें, फेस कैम वीडियो डालें, कॉपीराइट से बचे, कॉपीराइट क्लेम से बचे। इससे सबसे चैनल पे इफेक्ट नहीं पड़ता कॉपीराइट क्लेम का, लेकिन दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक का पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों, अपन क्यों, अगर अपना चैनल को पूरा सुरक्षित रखें ना दोस्तों, सुरक्षित रखने के लिए एक ही आइडिया दोस्तों, अपने चैनल पे अपने को मेन अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने की कोशिश करो, ओरिजिनल चीज़ समझाने की कोशिश करो। ऐसा कोई भारी यूट्यूब चैनल में भारी कोई मेहनत नहीं करना, आपको घर पे बैठे ही रोजगार मिलेगा, और अच्छे वीडियो डालो धीरे धीरे ग्रो करेगा। अच्छी चीज़ डालो, लोगों को जो समझ में आ रही हो चीज़ डालो। जिस जिस अपन ने मान लो 10 वीडियो डाल दी, उसमें कौन सा वीडियो ग्रो कर रहा, कौन सा टॉपिक ग्रो कर रहा, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम अपन ने नया चैनल बनाया, मान लो अपने 5 वीडियो डाल दी, उसमें कौन सा वीडियो चल रहा है, कौन सा लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से अपने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, किस टाइप के सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उस टाइप का वीडियो डालना पसंद करो दोस्तों। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैंने आपको जो बताई है, अपना मेन फेस कैम वीडियो और अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, ताकि आगे जाकर आपको पछताना नहीं पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा यूट्यूबर बनना, पैसे कमाना है यूट्यूब से, आपको पॉपुलरिटी हासिल करनी है, अगर आपका फेस कैम वीडियो अगर आप दोस्तों बनाओगे, तो आपको इंस्टाग्राम, अभी कितना चैनल चला टिकटॉक इंस्टाग्राम हर जगह, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, टिकटॉक इंस्टाग्राम बहुत सारी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, इन पे क्या आपका फेस कैम वीडियो अगर वायरल होता था, ये भी अर्निंग दे रहे। तो अभी लोग क्या, यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, उनका वीडियो वहाँ डाल दिया, उसका वहाँ डाल दिया, तो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं जिससे पैसा कमा रहे होता। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और अपना फेस का बनाना है, ताकि आने वाले समय अपन 3 गुना इनकम करेंगे दोस्तों। अपन आने वाले समय में कितनी, 3 गुना, फेसबुक पे भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे, अपना यूट्यूब का वीडियो भी वायरल होगा, वैसे ही अपन सबसे आगे निकल जाएंगे। अगर अपन ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, इधर से उधर पटक के इधर उधर उधर काम करोगे, तो आने वाले समय आपका खतरा है। इसलिए आपको मैं एक ही बात, एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ दोस्तों, बेहतर वीडियो बनाओ और ओरिजिनल कंटेंट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं को ये टेंशन हो रही दोस्तों का, आने वाले समय में आप पछताओगे, क्योंकि मैंने खुद ऐसा करा है, मैंने गलत कंटेंट डाले, मैं आज पछता रहा हूँ, मेरे बहुत चैनल डिस्पोज हो गए हैं। तो दोस्तों,
एक अच्छा चैनल बनाओ, साफ सुथरा चैनल बनाओ फर्स्ट में ही। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ना ये बात कोई बताने वाला है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात तो खुद का वीडियो बनाओ, कॉमेडी का बनाओ। अभी कॉमेडी के वीडियो भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अपन ओरिजिनल बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब बनना आसान है, तो हकीकत दोस्तों आसान है लेकिन कठिन भी है, दो ही चीज़ें हैं। इसमें नॉलेज भी चाहिए हर चीज़ का, एक दिमाग भी लगाना पड़ता है, हर चीज़ में सेंसिटिव भी रहना पड़ता है दोस्तों। तो आपको मैं मेन बात बता दी मैंने, और फिर भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, मेरे को कमेंट में बताएं और मेरे वीडियो करें शेयर और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइबर, ताकि आप और हम हमेशा इसी तरह मिलते रहें, आपका और हमारा प्रेम हमेशा बना रहे। और मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो में दोस्तों आने वाले यूट्यूब के लिए आने वाले समय में यूट्यूब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बताएं और मेरे वीडियो करें शेयर और सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।